आपका अपना चैनल पैंथा 11। आज वीडियोस पे हम बात करने वाले हैं एनबीए के रिगार्डिंग। बात करेंगे मॉर्निंग का जो फर्स्ट मुकाबला खेला जाएगा बोस्टन सेल्टिक्स वर्सेस आपको क्लीवलैंड के साथ। गाइस ये मुकाबला होगा काफ़ी बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों टीम की स्टैंडिंग इस सीजन में। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो बोस्टन सेल्टिक्स की टीम बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। एक नंबर पर स्टैंडिंग है 21 मैच में गाइस ये 16 मैच विन की हुई है, 5 मैच इनका लॉस रहा। सेकंड टीम की गाइस हम बात करते हैं क्लीवलैंड की टीम की, 7 नंबर पर स्टैंडिंग है 23 मैचेज में 13 मैच विन की हुई है, 10 मैच इनका लॉस रहा। हेड टू हेड मुकाबले की गाइस हम बात करते हैं तो हेड टू हेड मुकाबले में काफी बेहतरीन बोस्टन सेल्टिक्स का रहा है। अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीम की आज के मैच में जो स्टार्टिंग फाइव प्लेयर्स होने वाले, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे क्लीवलैंड की तरफ से आज के मैच में जो स्टार्ट करने आएंगे पॉइंट गार्ड सेक्शन से, गाइस हम बात कर लेते हैं डी गार्नेट जो स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, और गाइस यहाँ पे शूटिंग गार्ड से हम बात कर लेते हैं डीएल मिचेल जो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, स्मॉल फॉर्ड से हम बात कर लेते हैं मैक्स स्ट्रेस जो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, पावर फॉर्ड से बात कर लेते हैं इमोबली जो आज के मैच में वैसे आउट नजर आएंगे, और सेंटर से गाइस आपको गैरेट एलन जो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। आउट प्लेयर्स की हम बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे 5 प्लेयर्स आउट नजर आ रहे हैं। शूटिंग गार्ड से गाइस यहाँ पे जेरोम आउट नजर आ रहे हैं, और स्मॉल फॉर्ड से हम बात कर लेते हैं लेवेट जो है स्टार्ट आउट नजर आएंगे आज के मैच में, ई मोबली भी पावरफर्ड से आउट नजर आएंगे, और गाइस यहाँ पे जो पॉइंट गार्ड सेक्शन से रूबियो प्ले करते हैं ये आज के मैच में आउट नजर आएंगे क्लीवलैंड के टीम की तरफ से। बात कर लेते हैं बोस्टन सेल्टिक्स की तरफ से, तो इनके तरफ से बोस्टन के टीम की तरफ से आज के मैच के जो स्टार्टिंग फाइव प्लेयर्स होने वाले हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन से, गाइस यहाँ पे जे हॉलीडे जो स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, शूटिंग गार्ड से गाइस यहाँ पे डेरिक व्हाइट रहने वाले हैं, स्मॉल फॉर्ड से गाइस यहाँ पे जे ब्राउन जो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, और पावरफर्ड से आपको जे टैटम रहने वाले हैं, सेंटर से गाइस के पोर्जिलिंग जो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। आउट प्लेयर्स की हम बात करते हैं तो कोई भी प्लेयर यहाँ पे गाइस बोस्टन सेल्टिक्स की तरफ से आउट नजर नहीं आ रहे हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले फाइनल रिजल्ट टीम चाहिए तो गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो और ज्वाइन कर लो। गाइस यहाँ पे मिलती है फाइनल रिजल्ट टीम या मैच से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। गाइस यहाँ पे बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। गाइस यहाँ पे ये मॉर्निंग के रिजल्ट्स देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिला है बैक टू बैक। गाइस आपको यहाँ पे क्लीन स्वीप मिले हैं, जाकर के पहले आप सर्च कर लेना, देन आप यहाँ पे जाकर के ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। ये लिंक वैसे आपको मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पिन के मिलेगा, जहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो @panther11abc, और गाइस ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीम की तरफ से जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर यहाँ पे बोस्टन सेल्टिक्स की टीम यहाँ पे विन करके आ रही है न्यूयॉर्क से, और गाइज इनके तरफ से लास्ट के मैच में जो स्टार्ट करने आए थे जे टैटम की हम बात कर लेते हैं, टीम के मेन प्लेयर्स है जो स्मॉल फॉर्ड से प्ले करते हैं, 39 मिनट्स प्ले किए थे, और गाइज 25 पॉइंटर इनके कनेक्ट हुए थे, 6 रिबाउंड रिसीव किए थे, 5 असिस्ट और 1 इनके स्टील थे। जे हॉलीडे की बात करते हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन से प्ले करते हैं, 35 मिनट्स प्ले करते हैं, 16 पॉइंटर 6 रिबाउंड 5 असिस्ट 1 ब्लॉक 2 इनके गाइज स्टील थे, और गाइज यहाँ पे डेरिक व्हाइट की हम बात करते हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन से, ये भी प्ले करते हैं 30 मिनट्स प्ले करते हैं, 3 पॉइंटर 3 रिबाउंड 2 ब्लॉक 2 इनके स्टील थे। के पोर्जिलिंग सेंटर से प्ले करते हैं 29 मिनट्स प्ले करते हैं, 21 पॉइंटर 3 रिबाउंड 1 असिस्ट 2 इनके स्टील थे। जे ब्राउन की हम बात करते हैं 27 मिनट्स प्ले करते हैं, 17 पॉइंटर 4 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। बेंच से प्ले करने आते गाइज हॉलफोर्ड जिन्होंने 27 मिनट्स प्ले किया था, 14 पॉइंटर 10 रिबाउंड 2 असिस्ट इनके थे। गाइज यहाँ पे हॉशर की हम बात करते हैं 21 मिनट प्ले करते, 1 पॉइंटर 3 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक इनके थे, और गाइज यहाँ पे पीट चार्ट की बात करते हैं 19 मिनट्स प्ले किए थे, 5 पॉइंटर 2 रिबाउंड 2 असिस्ट इनके थे। सेकंड टीम की गाइज हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो क्लीवलैंड की टीम लास्ट मैच वैसे लॉस करके आ रही है। बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे क्लीवलैंड की टीम की तरफ से जो लास्ट के मैच में जो स्टार्टर जो थे और जो इनकी परफॉर्मेंस थी उसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज लास्ट के मैच में यहाँ पे गार्लैंड जो स्टार्ट करते हुए नजर आए थे पॉइंट गार्ड सेक्शन से प्ले करते, 39 मिनट्स प्ले किए थे, 36 पॉइंट कनेक्ट होते, 6 रिबाउंड 5 असिस्ट 2 इनके स्टील थे। डायल मिचेल की हम बात करते हैं शूटिंग गार्ड से प्ले करते, 37 मिनट्स प्ले किए थे, 22 पॉइंट 3 रिबाउंड 3 असिस्ट 1 इनके ब्लॉक थे, 3 इनके स्टील थे, और गाइज यहाँ पे डी वेट लास्ट के मैच में स्टार्ट किए थे, 29 मिनट्स प्ले किए थे, 9 पॉइंट 6 रिबाउंड 3 इनके स्टील थे। एम एस्ट्रा से स्टार्ट करते हुए दिखे थे लास्ट मैच में, 26 मिनट प्ले किए थे, 6 पॉइंटर 2 रिबाउंड 3 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। जेएलएन जो लास्ट के मैच में सेंटर से प्ले किए थे कोई खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा था। बात कर लेते परफॉर्मेंस की तो गाइस 15 मिनट प्ले किए थे, 4 पॉइंटर 7 रिबाउंड रिसीव किए थे, 1 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। बेंच से प्ले करने आए थे थॉमसन की हम बात करते हैं 29 मिनट्स प्ले किए थे, 10 पॉइंटर 13 रिबाउंड 2 असिस्ट 2 इनके ब्लॉक थे। गाइस ओकोरो की हम बात करते हैं तो ओकोरो लास्ट के मैच में 26 मिनट इनको चांस मिला था, 1 पॉइंटर 4 रिबाउंड थे, डिफेंसिव प्ले करते हुए दिखे। अब गाइस बात करते हैं आज के मैच में जिस प्लेयर्स को हम लोग पिक करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट गार्ड सेक्शन से आपको यहाँ पे गार्लैंड जो स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, टीम में मस्ट पिक कर लेना, काफ़ी अटैकिंग प्ले करते हैं। हॉलीडे की बात करते हैं स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, 13 क्रेडिट में अवेलेबल है, मस्ट पिक करके जा सकते हो। पीट चार्ट भी रहने वाले जो आपको बेंच से प्ले करेंगे, तो इनको गाइस 10 से 15 मिनट टाइम मिलने वाले हैं, और आपको
10 से 15 पॉइंट इजीली करके दे सकते हैं। पोर्टर की बात करते हैं, बहुत कम टाइम इनको मिल रहा है, तो जेल में एक आंख में ट्राई करके जाइए। अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पर डी मिचेल की, हम बात करते हैं ये आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, एसपीपीपी के लिए सेफ चॉइस हो सकते हैं ये गाइस, काफ़ी अटैकिंग प्ले करते हैं, अपने टीम में मस्ट पिक करना। डी वाइट की हम बात करें, डेरिक वाइट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सभी मैच में गाइस, 40 प्लस स्कोर करके दे रहे हैं, तो अपनी टीम में वैसे इनको लेकर के जा सकते हो। लेवेंट आज के मैच में आउट नजर आएंगे, ड्रॉप करके चलना है एसएल प्लस जीएल से। हॉसर्ट की हम बात करते हैं, बेन से प्ले करते हुए दिखेंगे। बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे स्मॉल फोर्ड से, तो स्मॉल फोर्ड से आप आज के मैच में जैसे जे ब्राउन रहने वाले स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, अपनी टीम में ट्राई कर लेना। एम एस ट्रस्ट की बात करते हैं, ये भी आपको ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, टीम में ट्राई कीजिए। आई ओकरो की हम बात करते हैं, इसको करो आपको ये गाइज वैसे बेन से प्ले करते हुए देखेंगे, ठीक ठाक एवरेजिंग इनका परफॉर्मेंस है। और गाइज यहाँ पे पावर फोर्ड से हम बात कर लेते हैं, जेट एटम रहने वाले जो आपको कैप्टनसी ट्राई करके जा सकते हो, काफ़ी अटैकिंग प्ले करते हैं, टीम में ट्राई कर लेना। इमोबली आज के मैच में गाइज आउट नजर आएंगे, ड्रॉप करके जाना। जी नियांग आपको बेन से प्ले करते हुए देखेंगे, कोई खास इनका परफॉर्मेंस नहीं, वैसे गाइज क्रेडिट मैनेज के लिए ट्राई करके जा सकते हो। कॉलनेट रहने वाले बेन से प्ले करते हुए देखेंगे। गाइज सेंटर से हम बात कर लेते हैं, तो सेंटर से आपको के पोर्जलिंग की हम बात करते हैं, तो के पोर्जलिंग वैसे आपको सेंटर से प्ले करेंगे, अच्छा परफॉर्म करते हैं, बोस्टन सेल्टिक्स की तरफ से लंबे कद के प्लेयर्स है, और गाइज 15 क्रेडिट में अवेलेबल है। अगर आपकी क्रेडिट इशू नहीं होती है मस्ट पिक कीजिए। जे लेन की बात करते स्टार्ट करते हुए देखेंगे, 12.5 क्रेडिट में बेस्ट ऑप्शन होने वाले। हॉटफोर्ड की हम बात करते हैं, ये गाइज आपको 9.5 के में बेन से प्ले करते हुए दिखेंगे। डी वाइट लास्ट के मैच में वैसे वेट जो है स्टार्ट किए थे, आज के मैच में गाइज अगर ये आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे। बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे जो हमारी आज के मैच की डेमो टीम यानी सेट टीम रहने वाले हैं, उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले गाइज फाइनल रिजल्ट टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो और ज्वाइन नहीं किए तो गाइज ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे गाइज आपको मिलती है फाइनल रिजल्ट टीम या मैच से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते जाएंगे। बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाले, बैक टू बैक गाइज आपको यहाँ पे क्लीन स्वीप मिलेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए गाइज आपको लिंक ये वाली मिलेगी वीडियो का डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पिन किया मिलेगा, जहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो या सर्च कर लेना @Panther11FC और गाइज ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सेट टीम की बात कर लेते हैं, तो गाइज यहाँ पे सेट टीम से पहले गाइज आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वाई वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। और गाइज यहाँ पे सभी बास्केटबॉल की आपको फाइनल एसएल टीम मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डायरेक्ट भी ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। सेट टीम की हम बात करते हैं, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो जे हॉलीडे रहने वाले जो आपको पॉइंटगार्ड सेक्शन से स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। और गाइज यहाँ पे गार्लैंड को मैंने डी गार्लैंड को अपने टीम में ट्राई किया हुआ जो पॉइंटगार्ड सेक्शन से अटैकिंग प्ले करते हैं। डैन मिचेल एज एसपी ट्राई कर लेना। आई ओकरो की हम बात करते हैं, स्मॉल फोर्ड से प्ले करते हैं। जेट एटम को पीपी ट्राई कर लेना, पावर फोर्ड से काफ़ी बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस है। और हॉटफोर्ड की हम बात करते हैं, सेंटर से प्ले करते हैं। जे एल एन आपको ये भी सेंटर से प्ले करते हुए नजर आते हैं। जे वेट की हम बात करते हैं, लास्ट के मैच में वैसे स्टार्ट किए थे, आज के मैच में गाइज वैसे बेन से प्ले करते हुए दिखेंगे, टीम में ट्राई करके जा सकते हो। वैसे ये सेट टीम कर लेना क्योंकि गाइज बहुत सारे प्लेयर्स इन आउट हो सकते हैं, सारी अपडेट मिलेगी आफ्टर लाइनअप हमारे टेलीग्राम चैनल पर। फाइनल एसएल टीम भी मिलने वाले हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए मिस मत कीजिएगा। लिंक मैंने गाइस कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। वहाँ पे गाइस आपको फाइनल अपडेट भी मिल जाएगी और फाइनल टीम भी मिल जाएगी, इसलिए मिस मत कीजिए, जाइए ज्वाइन कीजिए और प्ले कर सकते हो। जाकर के विजिट कर लेना, हमारा रिजल्ट देख लेना, देन आप ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। और गाइस वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।